जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के विषय में, जिसको हम हिंदी में बचत खाते के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या क्या कागजों की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवा लेते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स यहां पर आपको देखने मिलते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ये समझें कि आखिर ये सेविंग अकाउंट होता क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो सभी बैंक्स के अंदर सबसे बेसिक अकाउंट होता है वो होता है सेविंग अकाउंट, जिसको आज हम में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाएं, सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया या फिर करंट अकाउंट हो गया। तो करंट अकाउंट तो वैसे बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, लेकिन जो ये सेविंग अकाउंट होता है इसको जो नॉर्मल मैन, जो आम आदमी होता है, वो सेविंग अकाउंट ही खुलवाता है। दोस्तों सेविंग अकाउंट को आप दो तरीके से खुलवा सकते हैं। पहला यहां पर होता है सिंगल अकाउंट, जिसमें आप किसी भी इंडिविजुअल, जैसे आपका खुलवाना चाहते हैं तो आप खुलवा सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर में से किसी का खुलवाना चाहते हैं तो उनका खुलवा सकते हैं। दूसरा होता है ज्वाइंट अकाउंट, जिसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों के, कह सकते हैं एक ही साथ अकाउंट होता है, जिसमें दो व्यक्ति हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो वो ज्वाइंट अकाउंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें आप जो भी पैसा अपना रखते हैं उसमें आपको क्वार्टरली या फिर ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपको उसमें ब्याज मिलती है। वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है आपकी बैंक, वैसे तो नॉर्मली मैं बात करूँ तो 3-5% के बिटवीन रहता है, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि अगर हम एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहें तो उसके लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको बेसिकली 2-3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहला यहाँ पर आपके पास आपका एक एड्रेस या फिर आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली जब आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जाता है, इसके अलावा आपसे एक पासपोर्ट साइज आपकी फोटो मांगी जाएगी। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अपना सेविंग अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। दोस्तों वहीं पर अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक ऐसा मिनिमम बैलेंस होता है जो कि आपको हर सेविंग अकाउंट में रखना होता है। कुछ होते हैं जीरो बैलेंस वाले सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं रखना होता है, लेकिन जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको कम से कम 1,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस यहां पर रखना होता है। कुछ बैंकों में ये ज्यादा भी हो सकता है। अगर यहां पर आप इसको नहीं रखते हैं तो आपको फाइन के तौर पर यहां पर बैंक को पेमेंट या पैसे देने होते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कि आपने एक अकाउंट खुलवाया तो इसके बदले में बैंक से आपको क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक से आपको 2-3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका यूज करके, जिसको हम नॉर्मली एटीएम कार्ड के नाम से जानते हैं, जिसका यूज करके आप किसी भी एटीएम मशीन से अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा यहां पर पासबुक दी जाती है, पासबुक के अंदर आपको एंट्रीज करानी होती है, एंट्री यानी कि आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं, जो लेन देन किए हैं, उनका विवरण वहां पर दिया जाता है। इसके अलावा आपको एक चेकबुक दी जाती है, इन केस अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपके पास कैश नहीं है, आप नहीं चाहते आप ब्रांच जाएं, तो उस चेक पर अकाउंट डालिए आप और सिग्नेचर करिए, उसके जरिए भी आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको बैंक से मिलती हैं। साथ ही आपको ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आप किसी भी UPI ऐप का यूज करके अपने सेविंग अकाउंट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर यह है कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेविंग अकाउंट का। मैं उम्मीद करूंगा अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको कैसे खुलवाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए।